हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के बारे में। दोस्तों अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है, चाहे दोस्तों वो APL हो या फिर BPL हो, यानी कि दोस्तों पात्र गृहस्थी हो या फिर दोस्तों अंत्योदय हो, तो अगर दोस्तों आपको भी राशन कार्ड से राशन का लाभ मिलता है तो इसकी जो नई लिस्ट है वो दोस्तों आ चुकी है। अगर आप भी अपना राशन कार्ड में अपना नाम देखना चाहते हैं कि हमारा राशन कार्ड में नाम है या फिर नहीं है, या फिर दोस्तों निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों अपात्र राशन कार्ड की वजह से दोस्तों बहुत सारे राशन कार्ड निरस्त होते जा रहे हैं, लाखों की संख्या में दोस्तों राशन कार्ड डिलीट होते जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप भी अपना नाम लिस्ट में चेक कर लेते हैं तो दोस्तों हम निश्चित हो जाएंगे कि हमारा राशन कार्ड में हमारी लिस्ट में नाम है और हमें आने वाले जो अगले मंथ में जो हमारा राशन कार्ड पे जो राशन मिलेगा वो हमारे लिए 100% मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से अपनी जो ग्राम पंचायत की नई लिस्ट है वो उसमें अपना जो राशन कार्ड में अपना नाम है वो किस प्रकार से देखना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन में अपना जो गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है उसे आपको करना है ओपन। जैसे आप उसे ओपन करते हैं उसके बाद आपको सर्च वाले बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना होगा fcs.up.gov.in। इस तरह की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दोस्तों मैंने जो फिल की है, इसी तरह से आपको यहाँ पर वेबसाइट आपको डालना होगी। तो चलिए दोस्तों हम इस वेबसाइट को यहाँ पर डाल देते हैं, उसका हम सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग, यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आपको महत्वपूर्ण लिंक वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलता है राशन कार्ड की पात्रता सूची, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों हमने जैसे ही यहाँ पर राशन कार्ड की पात्रता सूची पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने ज़िले का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। हम जिस भी ज़िले के निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें हमें अपना जो ज़िला है वो यहाँ से देख कर सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमें दो मिलते हैं। अगर आप टाउन एरिया से यानी कि कस्बा से आते हैं, कस्बा के रहने वाले हैं, तो आपको टाउन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आपको अपना जो है ब्लॉक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों अपना जो ब्लॉक है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी जो ग्राम पंचायत है वो दोस्तों यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले अपनी ग्राम दोस्तों हम अपनी यहाँ पर ग्राम पंचायत सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अपनी हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता दूँ, सबसे पहले आपको अपनी जो दुकानदार हैं यानी आपके गांव के जो कोटेदार हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाता है। आपके गाँव में पात्र गृहस्थी कितने राशन कार्ड हैं वो यहाँ पर आपको ब्लू रंग से यहाँ पर लिखे हुए मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो अंत्योदय राशन कार्ड होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप पात्र गृहस्थी यानी APL वाले राशन कार्ड देखना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप BPL अंत्योदय आप चेक करना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों आपको यहाँ पर पात्र गृहस्थी की जो सूची है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने पात्र गृहस्थी का जो विवरण है वो हमारे सामने इस तरह से आ जाता है। ये जो विवरण है दोस्तों आपको 19/5/2022 यानी आज की ही डेट का, और दोस्तों यहाँ पर 9:27 का है। मैं दोस्तों ये वीडियो दोस्तों रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:25 पर, यानी कि दोस्तों एक घंटा पहले की है ये दोस्तों लिस्ट है, ये आ चुकी है। नीचे आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाती है, जैसे कि दोस्तों राशन कार्ड डिजिटल संख्या आपकी यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पर मिल जाता है जिसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है। साथ ही साथ उसके पिता और पति का नाम आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसके नाम से राशन कार्ड है। उसके बाद उसकी माता का नाम आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद उसके जो परिवार में जितने भी यूनिट हैं राशन कार्ड में लगे हुए वो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। राशन कार्ड डिजिटल हस्ताक्षर करने की तिथि आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये सारी जानकारी आपको इस लिस्ट में मिल जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपको अपना भी नाम इस लिस्ट में सर्च करना है तो आप इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहां से देख सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार से कंफ्यूजन है कि हमें इसका मैं अपना जो नाम है नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिससे दोस्तों आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको तुरंत अपना जो नाम है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप आएँगे इस वाली राइट कॉर्नर में, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 बिंदु का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है फाइंड इन पेज, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से फाइंड इन पेज का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो राशन कार्ड में जो भी नाम है आपका वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि दोस्तों अगर हिंदी है तो आपको इस तरह से हिंदी चूज़ कर लेना है, तो यहाँ पर आपको डाल देना है राम
इस तरीके से, और राम यहाँ से चूज कर लेना है। तो राम भवन जो भी नाम है, तो जितने भी नाम के राम के नाम से नाम जो भी व्यक्ति होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों राम, राम प्रकाश, राम भवन, राम राम सिंह, इस तरह से बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपका नाम इसमें फिर भी नाम से सर्च करने पर नहीं आ पा रहा है, तो आपको यहाँ पर फिर क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे हिंदी से इंग्लिश कर लेना है फिर से, और यहाँ पर आपको अपनी जो राशन कार्ड संख्या है वो यहाँ पर डाल देनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डालेंगे 21 51 40 कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। और यहाँ पर आपके जो पूरी राशन कार्ड जब संख्या आप डाल देते हैं तो आपका राशन कार्ड भी यहाँ पर आ जाता है। ये देखिए दोस्तों हाईलाइट होकर आ चुका है। अब आप यहाँ से आराम से इस राशन कार्ड पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल चेक कर पाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम इस पर ऐसे क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे जो राशन कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर खुलकर हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो राशन कार्ड संख्या आ चुकी है, यहाँ पर दोस्तों दुकान का नाम आ चुका है, दुकानदार का नाम आ चुका है, धारक का नाम आ चुका है, सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब दोस्तों हम इसे अपनी वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमें यहाँ से ये चेक करना है कि हमारा जो राशन कार्ड है हमारा ही है या फिर किसी और का है। तो अगर आपको लगता है कि कार्ड हमारा ही है, हमने वेरीफाई कर लिया है, तो आप इसे दोस्तों प्रिंट भी कर सकते हैं, और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं अपने पास। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने राशन कार्ड की लिस्ट में, अपने गाँव में, अपनी पंचायत में किसी का भी राशन कार्ड यहाँ से चेक करके निकाल सकते हैं, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं कि आपका भी नाम लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो बस दोस्तों ये वीडियो में आपको बताया था मैंने। अगर दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आने वाले नोटिफिकेशन और नई नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विजिट अगेन, थैंक यू सो मच।